झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में चली बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। शादी समारोह में अब 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इससे पहले 200 लोगों को शादी में शामिल होने की छूट दी गई थी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उमराव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ कैसे दे पाएं, इस पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता करानी, राज्य में आत्मरक्षक दवाइयों की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयासरत किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चेन को ब्रेक करने के लिए कुछ प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिए गए हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र पर बंद किए गए हैं। राज्य में होने वाली आगामी दिनों में परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में और भी निर्णय लिए जाएंगे जो कि राज्य हित में होंगे। सीएम ने लोगों से आग्रह किया है कि संक्रमण को हल्के में ना ले, बेवजह घूमना बंद कर दे ताकि संक्रमण के चेन में रुकावट आए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी लगातार ध्यान दिया गया। बताते चले कि शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक की थी। बैठक में लॉकडाउन में लगाई जाने वाली पाबंदियों का सख्ती से पालन करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि झामुमो की ओर से सुप्रिया भट्टाचार्य ने संपूर्ण लॉकडाउन करने की बात कही थी। बैठक में खास तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कमी, 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी टीकाकरण, जैक की परीक्षा स्थगित करने, घर में पर्व त्यौहार मनाने, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या और पारा मेडिकल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर बात रखी गई। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। बात अगर झारखंड की करें तो कोरोना हाल आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 3,838 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। वहीं 30 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। मृतकों में पूर्व सिंहभूमि से 6, रांची से 5, बोकारो से 4, पश्चिम सिंहभूमि, रामगढ़, साहिबगंज और खूंटी से 2-2, जबकि धनबाद, दुमका, गोड्डा, गढ़ावा, कोडरमा, पलामू और लतेहार से 1-1 मरीज शामिल है। इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं, इसलिए सभी विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं, लोगों से दूरियां जितना अधिक से अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें, भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा।